सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे नेपाल के सारे लोग नफरत नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना, सब लोग हेट नहीं करते। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रुकिए जरा, बताते हैं हम आपको। सिलसिला शुरू होता है करीब 2.5 साल पहले, जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था इंडियन गोरखास। और अभी तक का सबसे वायरल वीडियो जो है मेरा, वो इंडियन गोरखास है। उसमें करीब 2,03,000 व्यूज है, और 2,03,000 व्यूज में हजारों की तादाद में मुझे गालियां पड़ा है कुछ ऐसे। अगर मैं एक ही गाली पढ़ना शुरू कर दूं और ये वीडियो को उतना लंबा खींच दूं तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि बंदे ने बना दिया द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ रिकॉर्ड बन जाएगा मेरा। फिर वो नहीं चाहिए मेरे को। अगर हम सीधा मुद्दे पे आएंगे तो मैंने इतना गाली खाया क्यों? पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सो मच हेट टुवर्ड्स मी। इतना गाली मुझे पड़ा दो बातों के लिए। पहला बात था कि मैंने अपने आप को इंडियन गोरखास बुला दिया। इंडियन गोरखा, हम इंडियन गोरखा क्या है? मैंने किसी को डीमीन नहीं किया था वो वीडियो में, ठीक है। मैंने बस कहा था कि जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो और जिनका मातृभाषा नेपाली हो उनको कहते हैं इंडियन गोरखास। और मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर सुनील छेत्री जी का नाम दिया था, विनोद प्रधान जी का नाम दिया था, ऐसे ही बहुत जाने माने इंडियन गोरखास जो है उनका नाम दिया था। गाली पड़ने का दूसरा रीजन ये था कि ये वीडियो में वही रीजन से मेरे को गाली पड़ने वाला है, मतलब मैं वीडियो हिंदी में बना रहा था। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मैं इंडिया में रहकर अपना भाषा भूल गया। उस टाइम 2.5-3 साल पहले जब मैंने वीडियोज बनाना शुरू किया था, उस टाइम बहुत इफेक्ट पड़ता था यार, ये सब गाली गलौज इग्नोर नहीं कर सकता था ये सब चीजों को। पर आज के दिन में इग्नोर कर लेता हूँ यार, कोई गल नहीं यार, दो गाली मरताली। कुछ लोगों का मानना था कि मैंने जब हिंदी में वीडियो बनाया था तो मैं हिंदुस्तान के लिए बिक चुका हूँ। यस, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं जब पैदा हुआ था इंडियन पैदा हुआ था, जब मरूंगा मैं इंडियन मरूंगा, ठीक है। पर मेरा जो मातृभाषा है वो नेपाली था, वो नेपाली है और नेपाली रहेगा। और हिंदुस्तान का संविधान भी मुझे ये परमिट करता है कि मेरा मातृभाषा नेपाली हो, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसमें एक नेपाली भी आता है, मेरे बंधु मेरे भाई। और हम जब स्कूल में होते थे तो सेकेंड लैंग्वेज में हमको चूज करना मिलता था, या तो हम नेपाली लेंगे या तो हिंदी लेंगे या बंगाली लेंगे या अन्यथा बहुत सारे लैंग्वेजेस जो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो सब मिलता था हमको चूज करना, और नेपाली भी था उसमें मेरे भाई। बात काहे नहीं समझ रहे हो? यूट्यूब एक ऐसा जरिया था जिसके माध्यम से मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता था, जो चीजें मुझे फील हो रहे थे वो मैं शेयर कर सकता था। यूट्यूब वॉज अ मीडियम ऑफ बेसिकली मी ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विद अदर पीपल, वेदर दे फेल्ट द सेम वे और दे फेल्ट समथिंग एल्स, वैसा था। तो इंडियन गोरखास भी मैंने उसी लिए बनाया था। जब तक मैं कैलिम्पोंग में था, पढ़ाई करता था, यहाँ पे स्कूल में था, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। आई नेवर रियली गॉट वो आइडेंटिटी का क्राइसिस, कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, ठीक है। आफ्टर आई फिनिश माई स्कूल, जब मैं कोटा गया उस टाइम मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, ठीक है, क्योंकि लोग आते थे मेरे पास, मुझसे पूछते थे भाई आप कहाँ से हो, आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो, आप यहाँ से हो, आप वहाँ से हो, ठीक है। दैट वॉज द टाइम आई फेल्ट दैट आई वॉजंट एज मच एज इंडियन एज दे वर। फिर रेसिज्म का थोड़ा स्लर्स वगैरह हुआ मेरे साथ, और वो एक रीजन था जिसके कारण मैंने इंडियन गोरखास नाम का एक वीडियो बनाया, और उसमें हिंदी में बात करना, हिंदी में एक्सप्लेन करना, बस एक ही रीजन था मेरे पास, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय जो भाषा है वो है हिंदी। अगर मैं हिंदी में वीडियो बनाता तो मुझे ज्यादा रीच मिलता, मैं अपना जो मैसेज था वीडियो का वो ज्यादा लोगों पर पहुंचा सकता था। पर ठीक उल्टा हो गया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि उस वीडियो का रीच बहुत धांसू गया, बहुत सारे लोगों का वो मैसेज गया, ठीक है। So many people started showing support, पर नेपाल के बहुत सारे लोगों ने गाली भी दिया मुझे। आज के दिन में मैं ये रख के कह सकता हूँ कि 10% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो नेपाल से ही है। तो सब मुझे हेट करते नहीं, वो सब मुझे हेट नहीं करते, बस गिने चुने जो लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आया उस टाइम अच्छे से, वो लोग मुझे हेट करते हैं, और इतना ज्यादा हेट करते हैं कि वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में आके भी गाली देना शुरू कर दिए थे मेरे को। वाओ, दैट वाज द टाइम, सही में फेसबुक इंस्टाग्राम तक आ गए थे लोग गाली देने के लिए, क्योंकि उस टाइम मैंने फेसबुक का मैंने उस टाइम यूट्यूब का जो इंडियन गोरखास का वीडियो था उसका कमेंट सेक्शन भी डिसेबल कर दिया था, इसलिए लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में आके गाली देना शुरू कर दिए थे। बाप रे बाप, इतना ज्यादा गाली पड़ा उस टाइम,
क्या बताएं, इतना ज्यादा गाली पड़ा मेरा भाई उसे। मेरा वो वीडियो का मकसद था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंडियन भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि हम लोग भी उतने ही इंडियन हैं जितना कि आप लोगों पर। नेपाल के भाइयों ने ठीक उल्टा समझ लिया, वो लोग सोचिए कि हम नेपाल का जो हिस्ट्री रहता है वो सब छीन के अब पूरा इंडिया का बना देंगे। वैसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप लोग नेपाल में बसने वाले नेपाली हो, हम लोग इंडिया में बसने वाले नेपाली है, आपका भाषा भी नेपाली है, हमारा भी भाषा नेपाली है, आप भी वही दाल चावल खाते हो, हम लोग भी वही खाते हैं, दशहरा आप भी मनाते हो, दशहरा हम भी मनाते हैं, सब वही है। आपने गलत समझा इसीलिए आपको ठेस पहुंचा, पर वो मेरा इंटेंशन था ही नहीं पहले से ही। मैंने बोला था कि मुझे हजारों गालियां पड़े थे, पर अगर कमेंट सेक्शन आप चेक करोगे तो करीब 500 या 600 कमेंट्स ही होंगे वहाँ पे, क्योंकि द रीजन फॉर दैट इज इतना ज्यादा गाली डिलीट किया है भाई मैंने, इतना ज्यादा गाली डिलीट किया है कि अगर उनके परिवार वालों ने भी वो कमेंट्स वगैरह देख लिए ना, अगर देख लेते तो शर्म की वजह से डूब के मर जाते कसम से। इतना गंदा गंदा गाली दिया था, माँ का, बहन का, भाई का, क्या क्या गाली, क्या क्या गाली सोचोगे आप। उससे कहीं ज्यादा गाली पड़ा था मेरे को उस वीडियो की वजह से, और मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। मुझे पता है कि ये एक्सप्लेनेशन देने में मुझे बहुत साल लग गए, पर मैं फाइनली दे दिया आज, और दिल को सुकून मिल गया मेरा भाई। सही में आई वॉन्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू दिस अ लॉन्ग टाइम बैक, पर अभी जब मैं रेगुलर वीडियोज बना रहा था तो आई हैव लैक ऑफ कंटेंट एज वेल, तो इसीलिए सोचा कि इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते थोड़ा, और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे देते क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या बोलना चाहता था, क्या समझ लिए वो लोग। तो बस वही है आज के लिए, अब मैं चलता हूँ बर्तन माँजने। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, और ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करना, और बुरा लगे नेगेटिव कमेंट करना, पर इतना गंदा वाला गाली मत दोगे तुम्हारे घर वाले देख के परेशान हो जाएंगे कि किसको जन्म दे दिया हमने। ठीक है, नेपाली मलाई पनि आउँछ, डोन्ट वरी अबाउट इट, मैले आफ्नो भाषा बिर्सेको छुइनँ। एन्ड यस, दिस वाज द थर्ड टाइम इन माई एन्टायर लाइफ द्याट आई हेभ मेड अ प्रपर ब्लग इन हिन्दी, सो इफ यु रियली लाइक इट देन बोलते ना कमेंट सेक्शन में आके कि हिंदी में और ब्लॉग बनाओ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो हिंदी में ब्लॉग बना देते, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक दो ब्लॉग नेपाली में भी बनाऊँ तो बोल देना कि नेपाली में ब्लॉग बनाओ। ठीक है, तो मैं कर दूंगा वो भी। एक लास्ट मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ जाने से पहले, कि मुझे पहले से ही बहुत हेट आता है क्योंकि मैं इंग्लिश में ब्लॉग्स बनाता था बहुत पहले से ही। ठीक है, दिस वॉज इवन बिफोर द इंडियन गोरखा इंसिडेंट। एक्चुअली क्या हुआ कि लोग कहते थे कि मैं कालिम्पोंग में रहकर गोरा बनने का कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं इंग्लिश में ब्लॉग बना रहा था। द ओनली रीजन मैं इंग्लिश में ब्लॉग बना रहा था उस टाइम कालिम्पोंग के बारे में ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता था मैं, टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए, जैसे लोकल टैक्सीज वगैरह हो गए, शेयरिंग कैब्स वगैरह हो गए, मेरा वीडियोज बस उसी में रिवॉल्व करता रहता था कि मैं टूरिस्ट वगैरह को हेल्प कर सकूँ और ज़्यादा टूरिस्ट ला सकूँ कालिम्पोंग में। अगर मैं नेपाली में वीडियो बनाता तो क्या होता कि आसपास के लोग मेरा वीडियो देखते, ठीक है, मुझे व्यूज़ वगैरह आ जाता, और जो बाहर के लोग होते हैं वो नहीं देखते मेरे वीडियोस क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता। उसमें चाहता था कि बाहर के लोग जो पहाड़ में नहीं रहते, जो कालिम्पोंग सिक्किम के आसपास नहीं रहते, उनको पता चले कि कालिम्पोंग नाम का एक छोटा सा हिल स्टेशन जो नॉर्थ बंगाल में आता है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि लोग सिक्किम, दार्जिलिंग ये सब घूमने जाते हैं क्योंकि लोगों को पता है उन सब जगहों के बारे में, पर कालिम्पोंग के बारे में किसी को नहीं पता था। और मैं चाहता था कि मेरे वीडियोस के थ्रू और ज़्यादा लोगों को पता चले कालिम्पोंग के बारे में, और ज़्यादा कालिम्पोंग में टूरिज्म का इन्फ्लो हो, और टूरिज्म का इन्फ्लो होगा तो क्या होगा कि फाइनेंशियली डेवलप होगा अपना जगह। बस इसीलिए मैंने इंग्लिश में वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, और लोगों को लगा कि मैं किसी कोरे का औलाद हूँ। आई वॉज लाइक बेसिकली फेकिंग टू बी एन इंग्लिश गाय बिकॉज आई वॉज मेकिंग वीडियोज इन इंग्लिश। चलिए चलते हैं, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर ब्रदर द ब्लॉगर फ्रॉम द हिल्स पीएम गुरुंग, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड चीयर्स टू लाइफ। थैंक यू सो मच, गुड डे।